हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल। दोस्तों, लास्ट के दो वीडियोस से हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज की। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं, ये पब्लिक कंपनीज से कैसे डिफर करती हैं। साथ ही साथ सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना चाहिए, किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें देख लीजिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी बेसिक से लेके कि प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने सबसे पहले स्टेप देखा था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी बनानी है तो आपको डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर हम डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं। क्या जरूरत होती है इन डिजिटल सिग्नेचर की, आइए समझते हैं। अगर आप कोई भी कंपनी बनाते हैं, जैसा कि आज के टाइम में कहा गया है कि आप ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कंपनी, जो प्रोसीजर बहुत इजी है और गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्शन भी किया गया है, तो आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसको बोलते हैं स्पाइस, SPICE। तो जब आप स्पाइस फॉर्म को फिल करेंगे, इसके थ्रू जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये फिल ऑनलाइन ही होगा और ऑनलाइन सबमिट होगा। अब आपको इस पे सिग्नेचर करने की जरूरत होगी, यानी कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उन्हें इस पे सिग्नेचर करने होते हैं। तो इस पे सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिकली होंगे, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर की हमें जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ इस फॉर्म के साथ आपको EMOA और EAOA भी अटैच करना होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिन पे भी आपको डिजिटल सिग्नेचर करने होंगे। तो सेकंड हम बोल सकते हैं कि इनके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, जब वो डिन नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए, क्या होता है ये डिन, मैं आगे आपसे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जब हम डिन के लिए अप्लाई करते हैं एज ए डायरेक्टर, तो हमें डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी, तो आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई ना करें, आपको इसकी जरूरत ही पड़ेगी। तो अगर डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि क्या होते हैं डिजिटल सिग्नेचर, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। अब अगर इसमें हम बात कर रहे हैं तो डिजिटल सिग्नेचर में काफी क्लासेस होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, जिनको हम क्लास के नाम से जानते हैं। आपको दो क्लासेस पता होना चाहिए, क्लास टू और क्लास थ्री। जो क्लास टू होती है डिजिटल सिग्नेचर की, वो इंडिविजुअल्स के लिए होती है, जैसे मैंने बताया प्रमोटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, तो इन सबको क्लास टू के लिए अप्लाई करना पड़ता है। क्लास थ्री जो दोस्तों होती है वो ई बिडिंग के लिए, ई टेंडरिंग के लिए, इन सब के लिए जरूरत पड़ती है। तो अगर आप ई बिडिंग या ई टेंडरिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए उसको क्लास थ्री डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करना होगा। आप सपोज कर लीजिए मुझे क्लास टू सिग्नेचर के लिए अप्लाई करना है डिजिटल सिग्नेचर के लिए, तो मुझे समझना होगा कि इसमें दो कैटेगरीज फर्दर होती हैं क्लास टू में। एक होती है इंडिविजुअल, एक होती है इंडिविजुअल विद ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैं केवल इंडिविजुअल अपना डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई कर सकता हूं, या इंडिविजुअल विद ऑर्गेनाइजेशन, यानी मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ये तीनों अटैच करके डिजिटल सिग्नेचर बन जाएंगे। अब जब मैं डिजिटल सिग्नेचर अपने नाम से अप्लाई करना चाहता हूं, कंपनी के नाम से नहीं करना चाहता, तो मेरे पास ऑप्शन है या तो सिंपल डिजिटल सिग्नेचर बाय कर लूं या फिर एक टोकन बाय करूं। टोकन मतलब एक पेन ड्राइव होती है, वो पेन ड्राइव में आपके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, जब तक आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे उसको अटैच नहीं करेंगे आप डिजिटल सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे, यानी सिक्योरिटीज थोड़ी बढ़ गई। तो अब सपोज कर लीजिए मुझे समझ में आ गया मुझे किसी कंपनी का प्रमोटर बनना है या डायरेक्टर बनना है, मुझे डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत है और ये क्लास टू कैटेगरी के डिजिटल सिग्नेचर की मुझे रिक्वायरमेंट है। अब ये मैं कहां से बाय कर सकता हूं दोस्तों, तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे ई मुद्रा एक वेबसाइट है आपकी, सिफी एक वेबसाइट है, एनकोड एक वेबसाइट है, ये सभी ऑथराइज्ड पर्सन हैं जिनसे आप डिजिटल सिग्नेचर बाय कर सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर की वैलिडिटी होती है 1 साल 2 साल या 3 साल, आप किसी भी साल के लिए परचेस कर सकते हैं और जब ये वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो आइए मैं आपको ऑनलाइन समझा देता हूं कि अगर सपोज कर लीजिए मुझे डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करना है तो मैं खुद अप्लाई कर सकता हूं ऑनलाइन वेबसाइट से। इसकी एक नॉमिनल सी फीस होती है जिसको पे करके आप अप्लाई करेंगे, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और ये डिजिटल सिग्नेचर आपके पास पहुंच जाएंगे और आपको प्रोसेस भी बताया जाएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आगे हम बात करते हैं कि हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें डिजिटल सिग्नेचर के लिए। For more updates, please subscribe our channel and press bell icon for notification. आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करना है तो क्या स्टेप्स हैं उसके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज के टाइम में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको अथॉरिटी दे रखी है। अगर हम मेन अथॉरिटी जिनको मिली हुई है जिनसे हम डिजिटल सिग्नेचर बनवा सकते हैं, उसमें एक ई मुद्रा है, सिफी है, एनकोड है।
व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये वेबसाइट विजिट करनी है, हमें यहाँ अपना फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लास 2 सिग्नेचर चाहिए या क्लास 3 चाहिए, विद टोकन चाहिए या विदाउट टोकन चाहिए। उसके बेसिस पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जनरली आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होता है आपको, और उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। वंस आपका पेमेंट हो जाता है तो आपका जो भी डिजिटल सिग्नेचर है वो बन के रेडी हो जाता है और आपको भिजवा दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है, और साथ ही साथ आपको उसकी फंक्शनिंग भी बता दी जाती है। तो आइए हम ऑनलाइन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं नेट के थ्रू यहाँ ओपन कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए ई मुद्रा पे अगर हम देख लेते हैं, तो अगर हम ई मुद्रा पे देखें तो ई मुद्रा, तो देखिए वेबसाइट ओपन हो गई है ई मुद्रा की। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड आपको ऑप्शन आ रहा है बाय सर्टिफिकेट। ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोला जाता है इसे पूरा। अगर आपने बनवाया है, अगर आपका इन प्रोसेस है, तो अपनी एप्लीकेशन यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर इसकी वैलिडिटी होती है, मैं बताया था 1 साल 2 साल या 3 साल, तो उसके बाद आप रिन्यू कराना चाहते हैं यहाँ से आप रिन्यू करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट चोरी हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है तो आप यहाँ पे रिवोक कर सकते हैं उसे। तो आइए अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट बाय करना है, तो हम यहाँ पे बाय कर देते हैं, बाय सर्टिफिकेट। देखिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मैंने आपको बताया था हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों कि हमें एक प्राइवेट कंपनी बनानी है। प्राइवेट कंपनी बनाते समय जो मेंबर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उनको क्लास 2 के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ क्लास 2 की बात कर रहे हैं, आपको किस पर्पज़ से चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सारे पर्पस हैं। ई सिग्नेचर जो होते हैं बहुत सारे पर्पस में काम आते हैं। हम यह बात करते हैं हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी करानी है MCA पोर्टल के लिए। क्लास 2 के सिग्नेचर हमें चाहिए, 3 मैंने बताया था ई बिडिंग के लिए चाहिए होती है, एज ए इंडिविजुअल हमें चाहिए। वैलिडिटी आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कितने ईयर भी रख सकते हैं। देखिए जैसे हम वैलिडिटी 1 ईयर कर रहे हैं यहाँ प्राइस है 799। 2 ईयर्स की अगर हम वैलिडिटी लेते हैं तो प्राइस थोड़े से इंक्रीज होकर 999 हो जाते हैं, और वहीं 3 ईयर्स की वैलिडिटी लेते हैं तो ये प्राइस 1599 हो जाते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये सिग्नेचर चाहिए। अब आपके पास दो तरीके हैं। अगर आपके पास दोस्तों आधार है तो आपका KYC ऑनलाइन हो जाएगा आधार कार्ड या पैन कार्ड के थ्रू, और अगर आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं है, वैसे तो ये मान के चलता हूँ मैं आप कंपनी बनाने जा रहे हैं आपके पास ये दोनों ही डॉक्यूमेंट होंगे, पर आप इन दोनों के थ्रू वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहते, तो आप प्रोसीड यहाँ आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे और आपकी डिजिटल सिग्नेचर आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ प्रोसीड करते हैं तो देखिए आपका नया पेज ओपन हो गया। हमें डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, क्लास 2 चाहिए, यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है अपना, आपका नेम, आपका ईमेल, मोबाइल नंबर, जेंडर, एड्रेस, पोस्टल कोड, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल देके आपको इसको सबमिट कर देना है। अगर आप टोकन चाहते हैं यानी पेन ड्राइव में चाहते हैं अपने डिजिटल सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। तो फर्दर आपको पेन ड्राइव किस एड्रेस पे आए वो सारी चीज़ें पूछी गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए स्कीम चल रही है अभी, ये 1599 का है विद टोकन। अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कूपन कोड जो कि आजकल चल रहा है, स्कीम दे रहे हैं EM10, तो आप देखिए कि आपको फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ पे आपको 350 रुपीज़ का टोकन है और 510 रुपीज़ आपके सेव हो गए, तो इस तरीके से आपको 1789 देने हैं। अगर आप टोकन फर्दर लेते हैं तो उसके केस में हो सकता है कि प्राइसेस थोड़े से चेंज हो जाएं। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि ई मुद्रा इज़ वन ऑफ द अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी भी हैं। अगर मान लीजिए हमें सिफी से ख़रीदना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिफी डिजिटल सिग्नेचर बाय, तो आपकी सिफी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए बाय डिजिटल सिग्नेचर। अब हम इस पर भी चेक कर लेते हैं, वही आपको केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए जो वेबसाइट ओपन हो गई है इसमें आप अपने साइन इन करके लॉगिन बना सकते हैं। ये देखिए हमें MCA फाइलिंग के लिए चाहिए क्लास 2 सिग्नेचर, ये 550 रुपीज़ हैं इसके। हमें MCA ई फाइलिंग के लिए क्लास 2 सिग्नेचर चाहिए, आप इनकम टैक्स के पर्पज से या मल्टीपर्पज से भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम MCA की बात करें तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपना स्पाइस फॉर्म भरना है, उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। वही इसमें आपको बता रखा है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, क्लास 2 सिग्नेचर चाहिए, इंडिविजुअल पर्पज से सिग्नेचर चाहिए, वैलिडिटी कितनी आपको चाहिए, और आपको क्या पेन ड्राइव चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप पेन ड्राइव के लिए यस करते हैं तो यहाँ देखिए प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है।
अगर हम नो कर देते हैं तो प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो इन्होंने ये प्राइस बता रखे हैं, आप इसको करके नेक्स्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि डिजिटल सिग्नेचर ई सिग्नेचर है, और जब आप MCA की वेबसाइट पे स्पाइस फॉर्म को फिल करेंगे या प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, स्पाइस फॉर्म दोस्तों सिंप्लीफाइड फॉर्म है फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, तो आपको वहाँ डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हैं, और ये आपकी 1 साल 2 साल या 3 साल की वैलिडिटी के संग आते हैं मैक्सिमम, जिसकी वैलिडिटी खत्म होने पर आपको इसे रिन्यू कराना होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर आपको इशू हो सकते हैं ऐसे। आई होप आपको समझ में आया कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है और ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको कैसे इश्यू हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो पहले स्टेप को फॉलो करें, आप डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई कर लें और इसको अवेल कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उन्हें कैसे फॉलो अप करना है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।